स्वागत है जी तुहाडा साडे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ते, जिथे तुहाडे लई असीं पंजाब पुलिस दे बैच शुरू करन जा रहे हां, जिथे हर रोज़ तुहानूं रीजनिंग ते मैथ दीआं क्लासेज तुहाडे लई लैके आया जाया करनगीआं। दोस्तों अज आपां शुरू करन जा रहे हां ब्लड रिलेशन, जिहदे नाल असीं जिहदे विच तुहानूं असीं बेसिक तो शुरू करन जा रहे हां। इह कुछ कु चिन्ह ने जो तुहानूं याद रखणे नेगे, जिहदे विच प्लस माइनस दा एक खड़ा चिन्ह ते इक्वल दा साइन ते इह वाला साइन तुसीं याद रखणा गा। तां दोस्तों जिथे भी तुसी मेल दी गल करनी है, जिमें ए इज़ फादर ऑफ बी, ए इज़ फादर ऑफ बी, उस ते तुसी जे ए फादर है, ए इज़ फादर, तां इस तू प्लस नाल डिनोट करना है। जेकर तुसी गल करोगे कि बी इज़ मदर ऑफ सी, बी इज़ मदर ऑफ सी, बी इज़ मदर ऑफ सी, तां बी दे उत्ते तुसी माइनस दा निशान लगाओगे। जे तुसी कहोगे कि ए इज़ सन ऑफ बी, तां तुसी इसनूं इस ढंग नाल लिखोगे, ए सन है तां इसनूं प्लस दा रिटोट करो, बी बी कोई भी हो सकता है, ए प्लस जां माइनस भी हो सकता है, वो तुहानूं सवाल दे मुताबिक तुहानूं रखना पऊगा। तां उस तों बाद जदों तुसी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप दिखाउणे नेगे, तां इसनूं तुसी इस साइन दे नाल डिनोट करोगे। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल आपां कह सकते हाँ कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए ब्रदर है प्लस द साइन, बी ए फीमेल भी हो सकती है या मेल भी हो सकती है, ठीक है, फीमेल या मेल भी हो सकती है, तुसी अकॉर्डिंग टू जोड़ा भी तुहानू सवाल आऊगा उस दे मुताबिक तुसी रखना हैगा। तो लास्ट ते आउंदा गा हसबेंड वाइफ रिलेशनशिप, जो भी तुसी हसबेंड वाइफ की गल करनी है तो इसनू इक्वल का साइन है, कि जिवें आपां कह दईए ए इज़ वाइफ ऑफ बी, तो ए वाइफ है किस दी, बी दी। जिथे भी ए बराबर बी आ गया मतलब की है ए इज़ वाइफ ऑफ बी। हुण तुसीं एक गल देखो, ए वाइफ है तो इत्थे की रखोगे, तुसीं माइनस का साइन रखोगे, बी हसबेंड है तो इतने प्लस का साइन रखोगे। तो यह कुछ जरूरी गल्लां ने पुत, जे तुसीं याद रखनिया ने, मतलब तुहाडे लई याद रखने योग गल्लां ने, बेसिक है ये। जे तुहानू ये याद रह गया तो ब्लड रिलेशन तुहाडा होर आसान तो आसान हो जाएगा। सब तो पहला आपां सवाल हल करते हैं जिहदे विच ए बी का पुत्र है, तो बी का ए नाल संबंध दसो, तो तुहानू ये सिखाउने आ कि किवें लिखना। तुसीं ए बी का पुत्र है, ए इज़ सन, ठीक है, एक गल याद रखियो, इहदा मतलब की है ए इज़ सन ऑफ बी, बी मेल है तो इस करके तो प्लस का साइन आऊगा। माता पिता के अपन संबंध बारे इस टाइप की लाइन मैं तुम्हें दसिया कि एम ए लाना है, तो ये उपर लिखोगे ए, ठीक है, तो ए कोई भी हो सक, सॉरी ए इज सन है ना, तो ए प्लस साइन आ गया, बी की है, बी कोई भी हो सकता है, तो बी कौन है, माता या पिता के बीचों एक हो सकता है, मदर और फादर दे विचों एक हो सकता है। तो इस ढंग नाल तुसी जो है साडा अपर एज जा उन्होंने पीढ़ी नूं इस ढंग नाल डिनोट करना है, तुसी ने ओल्ड जनरेशन ते नैक्सट जनरेशन नूं तुसी इस ढंग नाल नोट करना है। दूजा सवाल हल करते हैं जिहदे विच ए बी दी माँ है, यानी कि ए इज़ मदर ऑफ बी, ए इज़ मदर ऑफ बी, मदर ऑफ बी, तो इसनू ए की है, ए फीमेल है, ए फीमेल है, की दी माता है, मदर ऑफ बी, बी दी माता है, तो इत्थे की आ जाएगा, बी कोई भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, तो इसनू आपां प्लस या माइनस वो अकॉर्डिंग टू सम आपां देख लेंगे। तो इस तो अगला समझते हैं सवाल नंबर तीन, देखो ए बी का भाई है, तो असी ब्रदर सिस्टर दे रिलेशनशिप नू जदों भी डिनोट करना है तो ए साइन दे नाल, ए बी का भाई है क्योंकि सेम जनरेशन आ गई, तो ए बी का भाई है, बी का भाई है, यानी कि ए भाई है
ए दा संबंध ब्रदर दे नाल जुड़ गया तो यह प्लस आ गया। बी साढ़े को भाई या भैन कोई भी हो सकती है क्योंकि बी का ए नाल संबंध ज्ञात करो। जो भी तुम ब्लड रिलेशन देखना है तो जिते भी इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि सवाल इतों ही आता होंगे गा। कई बार आप इसका उल्ट कर देने, आप ए दसना भी ए की लगता गा तो बी दसना है बी की हो सकता है। बी की हो सकता है भाई या भैन कोई भी हो सकता है, भाई या भैन वह गाह जो आप सवाल हल करा उदों तुम होर अगह तो अगह समझ आई जाऊगा भाई या भैन कोई भी हो सकता है। अगले सवाल वाल चलते हैं। सवाल नंबर चार देखो, ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है यानी कि फीमेल है, फीमेल में आप कहना डनोट करते हैं माइनस के नाल, उस तो अगे कि पत्नी है बी की, इक्वल का साइन लगेगा बी की पत्नी है तो बी हसबेंड हो गया बी प्लस का साइन, तो बी ए का की लगता है, बी की लगता है घर वाला, बी की लगता है घर वाला, ये चीज़ में तुम ध्यान रखना है बी की लगता है घर वाला। तो ये कुछ सवाल सीगे जो बेसिक तो ने गे, उम्मीद करते थानूं ये समझ दे विच आए होंगे, थानूं वीडियो अच्छी लगी होएगी, लाइक एंड शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो।